यस गुड इवनिंग। चलिए स्टार्ट करते पार्शल डिफरेंशिएशन। फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग, दिस इज कॉमन फॉर ऑल ऑल यूनिवर्सिटीज़। मुंबई यूनिवर्सिटी है, SPPU यूनिवर्सिटी है, जितना यूनिवर्सिटीज़ है, जो जो सिलेबस है फर्स्ट ईयर का, सबके लिए कॉमन है। नॉट जस्ट फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी, सभी लोगों के लिए कॉमन है। तो पहले तो जितने लोग यहाँ पर अवेलेबल है, यस ध्रुव, अपने पहचान वाले लोगों को मैसेज भेज दो, सो दैट जो पॉपुलेशन जिसको एक्चुअली पढ़ने का है वो यहाँ पर आ जाए। ये जो जर्नी है जहाँ पर हम लोग 11 12th का बेस भूल कर हम लोग यहाँ पर जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने ऐसा बोला कि 11 12th का बेस ना ही वो कंसेप्चुअली क्लियर हुआ है, ना ही हम लोगों को उसमें कॉन्फिडेंस है। तो हम लोग यहाँ पर एक जीरो वाला जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, जहाँ पर फॉर्मूला नहीं है, नो प्रॉब्लम। फंक्शन नहीं समझता है, नो प्रॉब्लम। कंपोजिट फंक्शन क्या है नहीं समझता है। सब कुछ हम लोग ने डिटेल में डिस्कस करने का सोचा है। मैट्राइसेस है जो लोगों को इमिडिएटली कैच होता है, लेकिन वहाँ पर भी गेम है। एक नंबर माइनस प्लस हो गया है तो हम लोगों का पूरा जर्नी वेस्ट हो सकता है। लेकिन हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, जो बच्चों के लिए हेवी जाता है, वही पार्ट हम लोगों ने डिस्कस करने का सोचा है। चलिए तो चालू करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन, यस, जो लोगों का लास्ट लेक्चर मिस हुआ है वो लास्ट लेक्चर देखना चाहिए, क्योंकि वहां पर हम लोगों ने फॉर्मूलाज डिस्कस किए हैं। डेरिवेटिव का बेस फॉर्मूला है, जिसमें मैंने एक बस बच्चों के लिए दिया है। बस, यस, बस क्या है, कैसा है, ये तुम लोग पिछले वाले वीडियो में देखना चाहिए। एंड डेरिवेटिव का जो बचा हुआ फॉर्मूलाज है, मतलब बस छोड़ के 19 फॉर्मूलाज है, वो 19 फॉर्मूलाज हम लोगों के अपने जबान पे फिट होना चाहिए। मैं हमेशा ये सोचता हूँ, इनफैक्ट ये चैनल पे जितने लोग सिखाते हैं, अजीत सर फैंटास्टिक पर्सनैलिटी, मैकेनिक्स का सुपरस्टार बोल सकते हैं, उनके जैसा मैकेनिक्स मैं बोलूँगा कि तुम लोगों को अगर किधर मिलेगा तो मैं बोलूँगा कि वो एक क्वेश्चन मार्क है कि सच में उनके जैसा कुछ हो सकता है क्या। तो मुझे एक बात बोलने का है कि ये जो चैनल है, यहाँ पर हम लोग बच्चों को डराते नहीं है, यहाँ पर हम लोग बच्चों को मोटिवेट करते हैं। ये लास्ट 12 साल का जो जर्नी है, वी हैव कंप्लीटेड 12 ईयर्स ऑफ आर्किडेमी। ये 12 साल में अगर हम लोग ने कुछ किया है तो हम लोग ने बच्चों को उनके डायरेक्शन में जाने के लिए सपोर्ट किया है, मोटिवेट किया है। हम लोगों ने कभी बातचीत नहीं किया कि यार पॉइंटर 10 होना चाहिए, सो व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ 10 पॉइंटर्स। हाँ, हम लोग ट्राई करेंगे अच्छा मार्क्स लाने के लिए, हम लोग अपना बेस क्लियर करने के लिए ट्राई करेंगे, लेकिन वो रेस में तुम लोग जाने का ट्राई मत करो कि मैं पहला आना चाहिए। ऑब्वियसली पढ़ाई अच्छा होना चाहिए, यू शुड बी ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, लेकिन मैं 10 पॉइंटर रहूंगा तो ही सक्सेसफुल है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये नंबर्स, इट इज जस्ट फॉर एंट्री लेवल, बाकी कुछ काम नहीं है। 10th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छा मार्क्स लाया था तुम लोग ने, आज कौन पूछता है, बिल्कुल नहीं। 12th स्टैंडर्ड का रिजल्ट जो भी तुम लोगों का लगा है, माइनस प्लस, लोगों को एक्सपेक्टेशन के इतना थोड़ा, एक्सपेक्टेशन से कम, लेकिन आज कोई पूछता है, बिल्कुल नहीं। सो आज तुम लोगों को क्या पूछेंगे तो प्रेजेंट रिजल्ट क्या है, और ये प्रेजेंट रिजल्ट को इम्प्रूव करने के लिए मैं बोलूंगा कि हमें अपना फाउंडेशन, अपना टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए आज के दिन पे, तो ये अपना भविष्य अच्छा हो सकता है। इंजीनियरिंग, यस, इंजीनियरिंग ऐसा जर्नी है जहां पर हम लोग खुद को एक्सप्रेस करने के बारे में सोचते हैं, हम लोग खुद को इंप्रूव करने के बारे में सोचते हैं। एंड इंजीनियरिंग मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग ने एक पर्टिकुलर कोर्स किया है तो हम लोग पर्टिकुलर कोर्स से रिलेटेड रहेंगे। इंजीनियरिंग एक प्रोफेशनल डिग्री है जहां पर हम लोग कुछ भी टास्क अपने हिसाब से कर सकते हैं। मैं बोलता हूँ कि कॉमर्स वाले फैंटास्टिक है, आर्ट्स वाले फैंटास्टिक है, बाकी प्लेन BSc करने वाले भी लोग मस्त है, लेकिन इंजीनियरिंग ये एक क्या बोलते हैं, एक कैटेगरी ऐसा है कि जिसमें लोग हर प्रॉब्लम को फेस करने के लिए रेडी होते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली लॉकडाउन के बाद वाला जो पॉपुलेशन आ रहा है और लॉकडाउन के पहले वाला जो पॉपुलेशन आ रहा है, उसमें बहुत फर्क दिख रहा है। लॉकडाउन के बाद वाला जो पॉपुलेशन है, जिनको खाली बस एक अच्छा कॉलेज चाहिए और रिप्लेसमेंट चाहिए, मतलब रेडीमेड चाहिए, लॉकडाउन के पहले वाला जो सीन था उसमें बच्चे लोग ढूंढते थे कि यार मैं पढ़ाई कैसा करूं, बस
प्लेसमेंट है या मेरा आगे वाला जर्नी है, ये इसके ऊपर ज्यादा नहीं सोचते थे। आजकल बच्चों को कॉलेज चाहिए, वो भी प्लेसमेंट वाला चाहिए। तो मैं बोलूंगा कि वो कॉलेज चाहिए प्लेसमेंट वाला, उसके लिए 10 पॉइंटर्स चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जितने 10 पॉइंटर्स वाले लोग हैं सबको क्या इमिडिएटली जॉब मिला है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे जो 7-8 पॉइंटर वाला है, जो ऐसा गरीबी में पास हुआ है, वो तो सबसे पहला प्लेस हो जाता है कंपनी में। मैं बोलूंगा इंजीनियरिंग ही अपने स्किल पे, अपने टैलेंट पे आगे लेके जाने वाला जर्नी है। और जो अपना पास्ट रिजल्ट है सीईटी का या 1200 का, फॉरगेट इट। अभी एडमिशन एक बार मिला है, कॉलेज फाइनलाइज हुआ, तुम लोग जितना टाइम इन्वेस्ट करने का है वो अपने पढ़ाई के ऊपर, अपने स्किल्स के ऊपर इन्वेस्ट करना चाहिए, सो दैट अपना फ्यूचर ब्राइट हो। तो चलिए, मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन के बारे में बातचीत कर रहा हूँ। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने खाली डेरिवेटिव्स और उसके टाइप्स, सॉरी उसके फॉर्मूलाज डिस्कस किए थे। आज हम लोग थोड़ा डिटेल में जाएंगे। एक बार पार्शियल डिफरेंशिएशन फाइनल हो गया, मैं बताता हूँ कि तुम लोग कुछ भी कोई भी एग्जाम्पल को हैंडल कर सकते हो और मेंटली तुम लोग प्रिपेयर हो जाओगे। पहली बात तो पार्शियल डिफरेंशिएशन के लिए मैं लेक्चर्स में बोलता हूं कि अपना पीएफ स्ट्रांग होना चाहिए। पीएफ अगर हम लोग घर पे बोलेंगे ना पीएफ, तो पीएफ के लिए घर पे बोलेंगे क्या, ये तो पीएफ मतलब प्रोविडेंट फंड हो गया। यस, प्रोविडेंट फंड मतलब, अगर मालूम नहीं है तो बता देता हूं, जो भी कोई एम्प्लॉई है कोई कंपनी में या गवर्नमेंट ऑफिसेस में, उसका ना कुछ अमाउंट कट होता है, और जो कंपनी है, जो मैनेजमेंट है, उतना ही अमाउंट जितना कट हुआ है उतना ही अमाउंट उसके लिए अवेलेबल करता है, और ये एक जगह पे इन्वेस्ट किया जाता है और उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट मिलता है। इससे ये एम्प्लॉय का भविष्य सिक्योर होता है, और जब ये वो रिटायर होता है तो उसके पास एक अच्छा हेल्दियर अमाउंट अवेलेबल होना चाहिए, ऐसा ऐसा वो कंपनी को, ऐसा वो मैनेजमेंट को लगता है। दिस इज द पीएफ। लेकिन यहां पर पार्शियल डिफरेंशिएशन में पीएफ का मतलब अलग है। सो व्हाट इज मीन बाय पीएफ इन पार्शियल डिफरेंशिएशन? पार्शियल डिफरेंशिएशन में पेशेंस चाहिए, एंड एफ मतलब फॉर्मूला चाहिए। दोनों अगर नहीं है तो फिर क्वेश्चन मार्क है, फिर नहीं आएगा। और पार्शियल डिफरेंशिएशन अगर नहीं आता है तो हम लोगों का नॉट जस्ट सेमिस्टर 1, सेमिस्टर 2, सेमिस्टर 3 इफेक्ट होगा, कीप इन माइंड। इसके लिए मैंने लास्ट लेक्चर पूरा इन्वेस्ट किया है ऑन फॉर्मूलास। मैं बोलूंगा कि कोई भी ऐसा वीक स्टूडेंट रहेगा जिसका 11th 12th स्टैंडर्ड खराब परिस्थिति में गया है, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हम लोग ने जो इनिशिएटिव लिया है, ये इनिशिएटिव में मैं बोलूंगा कि अपना जर्नी प्लस में लेके जाने का यही एक टाइम है। तो चालू करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। यस यस नहीं, ये पुणे यूनिवर्सिटी के लिए भी है, जितना यूनिवर्सिटीज है महाराष्ट्र में नहीं, ये अपने इंडिया में सभी यूनिवर्सिटीज के लिए पार्शियल डिफरेंशिएशन कंपल्सरी होता है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। और एक इंटरेस्टिंग बात ऐसा है कि मैंने बोला कि पार्शियल डिफरेंशिएशन का 2 क्वेश्चंस आएगा। कल हम लोग ने ऐसा कुछ बातचीत नहीं किया था, 2 क्वेश्चंस, यस 2 एग्जांपल्स कंफर्म है। एक एग्जांपल टोटल डेरिवेटिव के ऊपर आता है। टोटल डेरिवेटिव, यस टोटल डेरिवेटिव मतलब यहां पर 2 डेरिवेटिव हो सकता है, 3 डेरिवेटिव हो सकता है, और कोई सीक्वेंस नहीं रहेगा, कुछ भी पूछा रहेगा। लेकिन कंपोजिट फंक्शन, ये जो सेकंड पार्ट है कंपोजिट फंक्शन, ये फिक्स रहता है, इसमें पैटर्न फिक्स होता है और इसमें कैलकुलेशन का तरीका फिक्स होता है। तो ये एक एग्जांपल 100% आएगा मिनिमम 6 to 8 मार्क्स के लिए। ये एक एग्जांपल आएगा मिनिमम 6 to 8 मार्क्स के लिए। 2 एग्जांपल्स कंफर्म। मुंबई यूनिवर्सिटी के लिए बोल रहा हूं मैं, पुणे यूनिवर्सिटी के लिए 6 मार्क्स एंड 2 मार्क्स ऐसा पूछ सकते हैं। चलिए ये टोटल हम लोग बात बोल सकते हैं कि 12 से लेकर 14 मार्क्स तक आएगा। अगर ये 6 आया तो 8 आएगा, 8 आएगा तो 6 आएगा। 12 टू 14 मार्क्स का सिलेबस है। और मैं गारंटी के साथ बोलता हूं कि तुम लोग जितने चैनल्स है यूट्यूब पे, सब चैनल्स पे जाओ, वो लोग अगर पार्सल सिखा रहे तो ऑब्जर्व करो, एंड फिर पता चलेगा कि हम लोग जो बातचीत कर रहे हैं दिस इज यूनिक।
देखो कंटेंट सब दुकान में सेम मिलता है, लेकिन डिलीवरी अलग होता है, बोलने का स्टाइल अलग होता है, और जो हम लोग बातचीत करते हैं इससे स्टूडेंट है ना 100% उसके वो प्रॉब्लम से बाहर निकलता है। तो अभी तक मैंने जितना बोला उसमें सबसे पहला ये बोला कि देखो अगर आगे बढ़ने का है तो अपने पास पीएफ होना चाहिए। पीएफ से एक सिक्योरिटी आ जाता है, एंड पीएफ मतलब पार्सल में क्या होता है, जरा मैसेज बॉक्स में मैसेज डालो प्लीज। देखो अगर ऑनलाइन है तो ऐसा झंडू बम के जैसा बैठ कर नहीं चलेगा, पूरा वातावरण गर्म रहना चाहिए। अपना लेक्चर ऐसा शांति वाला होता नहीं, जो ऑफलाइन वाले स्टूडेंट्स है या मेरा जो भी ऑफलाइन सेशंस किसी ने अटेंड किया है, वी आर रनिंग क्लासेस इन थाना, नेहरू, कल्याण, एंड अभी और दो प्रपोज्ड ब्रांचेस है जहाँ पर हम लोग आगे वाले 6 महीने के अंदर क्लासेस ओपन करने वाले हैं। ऑफलाइन क्लासेस का एक अलग मजा होता है, एक बार चालू हुआ ना हर बच्चा बोलता है, हर स्टूडेंट बोलता है। तो मैं बोलूंगा कि जो लोग नए लोग हैं यहाँ पर मुझे देखने के लिए आए, पहला तो तुम लोगों को थैंक यू बोल रहा हूँ, इतना सारा कंटेंट है यूट्यूब पे और उसमें से तुम लोग मुझे देखने के लिए आए, थैंक यू वेरी मच। लेकिन एक बात बोलूंगा, एक बार तुम लोग ने यहाँ पर अटेंड करने का चालू किया तो तुम लोगों को आदत लगेगा और तुम लोग 100% पढ़ने के लिए रेडी हो जाओगे। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन फैंटास्टिक। ध्रुव ने मैसेज किया है, श्रुति ने मैसेज किया है, सनी ने कुछ मैसेज नहीं डाला है, कमर जितने लोग हैं मैसेज डालना पड़ेगा। यस एवरीबॉडी, शौनक मैसेज आया है, ध्रुव आया है, आश्रय, फैंटास्टिक, ओके। देखो धीरे धीरे ये पॉपुलेशन बढ़ेगा और मैं बोल रहा हूँ कि जल्दी ये 3 डिजिट में कन्वर्ट होने वाला है। जैसा कॉलेज चालू होगा लोगों को पता चलेगा, अरे ये भी और यूट्यूब पे है। लास्ट मैंने बोला कि 12 साल का एक्सपीरियंस है और स्टूडेंट को जो लैंग्वेज में चाहिए वो लैंग्वेज में हम लोग बात कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि बच्चे को सब आता है ये पकड़ के चलने का, इसके लिए इतना बड़ा हिम्मत करके पार्शियल डिफरेंशिएशन पहला चालू किया है, नहीं तो मैं ट्रेसेस करता था तुम लोगों को स्टार्ट, और लोगों को अच्छा लगता था, रिमार्क्स पढ़ाता है। पार्शियल डिफरेंशिएशन ये हम लोग ने स्टार्ट किया, ओके। सो पार्शियल डिफरेंशिएशन का हम लोग ने डिस्कशन किया है। पेपर में 2 टाइप का क्वेश्चंस होगा, एक कंपोजिट है और एक टोटल डेरिवेटिव है। इसमें से हमें एक तो कंपोजिट और टोटल डेरिवेटिव, इसमें से अगर कुछ इजीली अवेलेबल होता है तो कंपोजिट फटाफट सॉल्व होता है। इसमें कभी कभी हम लोगों को 2 डेरिवेटिव 3 डेरिवेटिव लेना पड़ता है, उसके लिए तो मैंने बोला पेशेंस चाहिए। चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, तुम लोग इसका एक स्क्रीनशॉट लो, कमन स्क्रीनशॉट लो, और जिनको लगता है कि अरे हमें नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए, तो तुम लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहिए। यस सो आज का ये पहला पिक्चर। चलिए एवरीबॉडी अपने अपने ग्रुप पे मैसेज भेजो, हम लोग ने 11th 12th किया है वो लोग ग्रुप रहेगा, वहां पर कुछ लोग रहेंगे, क्लासेस ज्वाइन किया था उधर कुछ ग्रुप रहेगा, इनफैक्ट अगर अपना फैमिली ग्रुप है तो उधर भी भेज दो। शायद कोई ऐसा रहेगा जिसको सच में जरूरत है, जिसका बेस माइनस में, दिस इज द राइट प्लेस, मैंने बोला। चलिए ये तो हम लोग ने बातचीत किया, चैप्टर में क्या है, पीएफ क्या है, ये सब लोग ध्यान में रखने का है। नाउ पार्शियल डिफरेंशिएशन होता क्या है इसके ऊपर चर्चा करते। देखिए डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव होता है, सुन रहे हो क्या? अरे डिफरेंशिएशन मतलब डेरिवेटिव, और पार्शियल मतलब पार्ट पार्ट में, यस पार्ट पार्ट में डेरिवेटिव लेते हैं हम लोग। एक डिफरेंस बताता हूं, जो 12th स्टैंडर्ड हम लोग ने देखा ना और अभी जो इंजीनियरिंग हम लोग देख रहे हैं, इसमें फर्क बताता हूं क्या है। जो 12th स्टैंडर्ड है उसमें हमारे पास एक फंक्शन और एक वेरिएबल था, वन फंक्शन
एंड वन वेरिएबल। तुम लोगों को याद नहीं आ रहा है तो मैं याद दिलाता हूं, रुको। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ऐसा कुछ फंक्शन रहेगा, एक फंक्शन एक वेरिएबल। अगर तुम लोग एग्री है तो मैसेज बॉक्स में मैसेज डालने का रहे, बरोबर है करके। ये 12th स्टैंडर्ड वाला जर्नी है, वन फंक्शन एंड वन वेरिएबल। इंजीनियरिंग में ऐसा नहीं होता है, वन फंक्शन एंड मल्टीपल वेरिएबल होता है, मल्टीपल वेरिएबल। मैं इसी बात से मैं इंजीनियरिंग के बारे में और एक चीज बोलूंगा, इंजीनियरिंग करने वाला स्टूडेंट है ना वो मल्टीटास्किंग होता है। मल्टीटास्किंग मतलब वो कुछ भी कर सकता है। वो इंजीनियर बना है तो वो अच्छा क्रिकेट खेल सकता है, अच्छा डांसर बन सकता है, एक अच्छा प्रोफेशनल स्किल वाला इंसान बन सकता है, कुछ भी कर सकता है वो इंजीनियरिंग वाला बच्चा। तो मैं बता रहा हूं कि सेम यहां से जर्नी स्टार्ट होता है, एक फंक्शन एक वेरिएबल, यहां पर एक फंक्शन एंड मल्टीपल वेरिएबल्स होंगे, मल्टीपल वेरिएबल्स। सो कंपैरिजन में क्लियर समझता रहेगा कि यार यहां पर तो एक ही है, कुछ ज्यादा सोचने का ही नहीं है, सीधा डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी करने का बस। लेकिन यहां पर अगर मैंने डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स लिया तो कुछ बच्चे लोग बोलेंगे अरे सर विद रिस्पेक्ट टू वाई क्यों नहीं लिया है। कुछ लोग आएंगे उधर से झगड़ा करने के लिए, यस वो लोग बोलेंगे सर हम लोगों का तो जेड के साथ प्यार है, हम लोग जेड के साथ क्यों नहीं करेंगे। तो मैं बता रहा हूं कि डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स होगा या फिर वाई होगा या फिर जेड होगा, कुछ भी हो सकता है, वैसा यहां पर चॉइस नहीं है, यू हैव टू डील विद सिंगल वेरिएबल। तो पार्शियल में क्या करना पड़ता है, यहां पर तीन लोग हैं, तीन लोगों को एट ए टाइम डील नहीं कर सकते। ये ऐसा सेम सिनारियो है ना, तुम लोग ने घर पे बहुत बार किया रहेगा। कैसा, तुम लोग जब भी बातचीत कर रहे हो तो बीच में छोटा भाई बोल रहा है, मम्मी कुछ अपना ओपिनियन बोल रही है, पप्पा कुछ बोल रहे, तीन चार लोग सामने से कुछ बोल रहे और तू हैंग हो गया, समझ में नहीं आ रहा, अरे क्या कौन बोल रहा है वो तो बताओ। ये घर वाला सीन हुआ। हम लोग दोस्त लोगों के साथ में खड़े रहते हैं तो हर एक का कुछ ना कुछ चल रहता है, अरे ये सैटरडे संडे चलो घूमने के लिए जाते, तो एक बोल रहा है इधर जाने का, एक बोल रहा है उधर जाने का, एक बोल रहा है इधर जाने का। तो ये जो सिनारियो है जिसमें मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं, मल्टीपल सिग्नल्स एट ए टाइम आते हैं, ये हम लोगों को कंट्रोल करने का है, तो हमें पार्शल करना पड़ता है। देन अगेन व्हाट इज पार्शल, सिंपल वन थिंग एट अ टाइम, यस वन वेरिएबल एट ए टाइम, इसको हम लोग पार्शल बोलते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, तीन वेरिएबल है या 300 वेरिएबल है हमें फर्क नहीं पड़ता है, मैं एक एट ए टाइम लूंगा। और एक सिंपल क्वेश्चन पूछता हूं तुम लोग को, एक पूरा क्लासरूम भरा हुआ है, फुल क्लासरूम है, और एक क्लासरूम में है ना 40 स्टूडेंट्स है, इसमें ध्रुव नाम का एक ही लड़का है, ध्रुव। अगर सपोज कोई आया उधर और बाहर का मतलब बाजू वाले क्लासरूम का कोई एक सीआर आया या फिर कोई अनाउंसमेंट करने वाला आया और उसने बोला कि अरे ध्रुव है क्या, 40 लोगों का वो कैपेसिटी है, 40 लोग बैठे हुए और बाहर से आवाज दे रहे ध्रुव कोई है ध्रुव, तो कौन जाएगा बताओ, सब लोग जाएगा मैं ध्रुव है मैं ध्रुव है, ऐसे करने वाले लोग मंद बुद्धि रहेंगे, मैं ध्रुव है मैं ध्रुव, तू थोड़ी ध्रुव है, एक ही ध्रुव है वो क्लासरूम में, तो वो ध्रुव ही जाएगा। तो इसमें क्या हुआ, 40 लोग हैं उसमें से एक सिलेक्ट किया, दिस इज पार्शल। एंड हम लोग यहां पर जो बातचीत कर रहे हैं सेम है, इफ यू हैव 3 मेंबर्स 2 मेंबर्स एक से ज्यादा मेंबर है, यू डू पार्शल, मतलब वन एट ए टाइम। इसका मतलब एक्स लिया है तो वाई कांस्टेंट, वाई लिया है तो जेड बाकी लोग कांस्टेंट, और जितने मेंबर्स, यस ध्रुव जाएगा, ध्रुव ही बोल रहा है, जितने वेरिएबल्स है उसमें से एक अगर पकड़ा है, सपोज मैंने लिखा u का डेरिवेटिव x के साथ तो बाकी सब लोग कांस्टेंट है। लेकिन एक बात तो है, ये दोनों में फर्क है, कुछ तो फर्क है, क्या फर्क है, ये d लिखा है इधर डेल लिखा है, डेल या कुछ लोग इसको डेल्टा बोलते हैं, डेल्टा।
पार्शल लिखने का ये एक यूनिक स्टाइल है दैट यू ऑल नीड टू रिमेम्बर. इजी है, सीधा डी नहीं है, पार्शल मतलब थोड़ा टेढ़ा वाला डी है. इसका मतलब होता है एक्स के साथ चालू है तो वाई एंड जेड आर कॉन्स्टेंट. तो देखिए अगर x के साथ चालू है तो इसका डेरिवेटिव 2x हो गया, इसका डेरिवेटिव 0 हो गया है क्योंकि कांस्टेंट है ना. व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट? 0. तो यहां पर फाइनल आंसर आएगा 2x. तो जितने मेंबर्स यहां पर अवेलेबल है, मैंने जो बातचीत किया है, मैंने 12th स्टैंडर्ड को क्या था वो बताया, वन फंक्शन वन वेरिएबल. और अभी क्या है ये डिस्कस किया, इसमें जितना मेंबर्स है उसमें से एक को पकड़ने का है. अगर x लिया तो yz कांस्टेंट है, y लिया तो xz कांस्टेंट है, और z लिया तो xy कांस्टेंट है. दिस इज व्हाट पार्शियल इज. तो सब लोग एक बार मैसेज बॉक्स में मैसेज डालो कि भाई समझता है कि नहीं समझता है. ये मेरा सेल्फ स्टडी चालू है या तुम लोगों को भी समझ रहा है? जरा प्लीज मैसेज बॉक्स में मैसेज डालो. श्रुति, सृष्टि, आश्रय, शौनक, छाया, पवार, अगर पेरेंट के नाम से कोई ज्वाइन हुआ है तो अपना नाम डाल दो. कम ऑन. यस यस यस. ओके चलिए आगे बढ़ते हैं. शिवम फैंटास्टिक. चलिए तो तुम लोग इसका स्क्रीनशॉट लेते रहो. क्या है कि नोट्स अपने पास रहेगा तो फायदा होगा कभी ना कभी, और टेलीग्राम ग्रुप पे तो हम लोग भेजने वाले हैं. और एक बात ऐसा है कि इसमें ऐसा कौन स्टूडेंट है जो फर्स्ट टाइम मुझे यहाँ पर देख रहे हैं? वैसा तो लेक्चर सेकेंड ही है लेकिन फिर भी फर्स्ट टाइम है, लास्ट टाइम नहीं था. वेदांतिका, आश्रय, छाया, प्लीज. इसका एक एडवांटेज ऐसा होता है कि तुम लोग ने मालूम नहीं कितना सीखा है, तुम लोग ने पास्ट क्या है, लेकिन इधर तुम लोगों को ऐसा समझ में आएगा कि जब भी कॉलेज जाएगा तो पता चलेगा कि अरे ये अलग लेवल पे चालू है. इसके लिए मैंने बोला कि जो लेक्चर तुम लोग इधर उधर देखते हो ना, अटेंड करो, तुम लोगों को पता चलेगा डिफरेंस क्या है. अच्छा सबरीश, ओके चलो एक मेंबर का एडिशन हुआ है अपने जर्नी में. सबरीश फैंटास्टिक. चलिए तुम लोगों को इसका फोटो लेना चाहिए. अभी मैं इसका डेफिनेशन लिखता हूँ और हम लोग एग्जांपल चालू करेंगे. रोज इंट्रोडक्शन नहीं होता है ना, अभी हम लोग ने गियर अप किया है, आगे बढ़ेंगे. What is the definition? Yes. Suppose हमारे पास एक function है. दो variable का function है. And दो वेरिएबल्स है ना, डेरिवेटिव ऑफ जेड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कीपिंग वाई कॉन्स्टेंट. फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल्स है, उसमें से मैं डेरिवेटिव एक्स के साथ ले रहा हूं, वाई कॉन्स्टेंट है, इज कॉल्ड एज पार्शियल differentiation of z with respect to x. इसको ऐसा बोलते हैं, vice versa. ये उल्टा भी possible है. Derivative of z with respect to y keeping x constant, ये भी चलेगा. It is denoted by डेल जेड बाय डेल एक्स और डेल डेल्टा जेड बाय डेल्टा वाई.
सॉरी डेल्टा जेड बाय डेल्टा एक्स, दोनों में से कोई भी एक सिंबल मैं पहला लिखता हूँ, मुझे इजी लगता है। यस, सो ये डेफिनेशन, और यहाँ से अपना पार्शियल का जर्नी स्टार्ट हुआ अभी। चलिए फटाफट मैसेज डालो, क्लियर है, क्लियर दिखता है, वॉइस क्वालिटी, पिक्चर क्वालिटी, फटाफट मैसेज डालने का, तुम लोग स्मार्ट है, चैटिंग में तुम लोग मास्टर है। भले कैलकुलेटर तुम लोग खरीद कर रहे हो लेकिन उसमें अपने को ज्यादा जमेगा नहीं जितना मोबाइल में जमता है, जरा बताइए प्लीज। यस 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 यस, प्रतीक, शौनक, अथर्व, फटाफट रिप्लाई देने का, क्लियर दिखता है, आवाज क्लियर आ रहा है, पहला एग्जाम्पल। यस, अथर्व का मैसेज आया, सो फर्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं हम लोग। Prove that. Yes. Very good, very good. चलो देखो क्या है कि जो भी परफॉर्म करता है ना उसके लिए मोटिवेशन यही होता है कि लोग उसको अप्रिशिएट करें या लोग उसको बताए कि अरे तू सही डायरेक्शन में जा रहा है। तो प्लेयर है या टीचर है या जो भी परफॉर्म करने वाला पर्सन है, तो यहाँ पर मुझे यही एक्सपेक्टेड है कि तुम लोगों को समझता है तो आ बोलने का, नहीं समझता तो नहीं बोलने का। जो हम लोगों का बातचीत है उसमें तुम लोग इन्वॉल्व होना चाहिए सो दैट ये हम लोगों का जो जर्नी है वो 100% फोकस्ड रहे। ओके, तो ये पहला एग्जाम्पल है और मैं बोलूँगा कि फर्स्ट एग्जाम्पल में थोड़ा आइडिया मिलेगा, तुम लोग सुनना चाहिए। आगे जाने से पहले मैं एक फॉर्मूला बताता हूँ, फॉर्मूला जो तुम लोगों के एंटायर लाइफ में काम में आएगा, नॉट जस्ट पार्शियल फ्रैक्शन, नॉट जस्ट मैथ्स वन, पूरे लाइफ में काम में आएगा। यस, दिस इज द फॉर्मूला, थैंक यू वर्षिल। ये एल स्टैंड्स फॉर लिसन, हम लोग 100% सुनना चाहिए रे, अगर 100% सुनेंगे ही नहीं तो भाई फिर समझने का सवाल आता किधर से। दूसरा, सुना है लेकिन एक्सेप्ट भी तो होना चाहिए, ये एक्सेप्ट भी होना चाहिए, सच में एक्सेप्ट होना चाहिए, मतलब कोई सामने से बात कर रहा है मैं सुन रहा हूं लेकिन मुझे एक्सेप्ट नहीं हो रहा है तो ऐसा कैसा चलेगा, मैं आगे इंप्लीमेंट नहीं करेगा ना। बहुत बार ऐसा होता है अपने घर वाले कुछ बोलते रहते हैं, अरे नजदीक वाला कॉलेज ले, इतना लंबा मत जा, लेकिन हम लोग सुन रहे हैं लेकिन एक्सेप्ट थोड़ी हो रहा है। एक्सेप्ट होना चाहिए, रीजन समझ में आना चाहिए, उनका बोलने का क्या इंटेंशन है वो समझ में आना चाहिए। सुना, एक्सेप्ट हुआ लेकिन ट्राई नहीं करता है, समझा है, सीखा है लेकिन ट्राई नहीं कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फोर व्हीलर सीख रहा है, सुना, अच्छा सुना, ये गियर ऐसा डालते हैं, ये एक्सलेटर है, क्लच है, ब्रेक है, ये तुम लोगों को इंडिकेटर है, ऐसा है, सब सुना है, एक्सेप्ट हुआ है, मस्त एक्सेप्ट हुआ है यार, लेकिन कभी गाड़ी हाथ में लिया ही नहीं है तो फिर कैसा चलेगा। सो आई स्टैंड्स फॉर इम्प्लीमेंट, इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए जो सीखा हुआ है। एंड लास्ट, हम लोग जब ये चीज रिपीट करते हैं तो हम लोग एक्सपर्ट बनते, दिस इज द पाथ फॉर एक्सपर्ट। चलिए फटाफट बताओ कि ये मैंने बराबर बोला है नहीं बोला है, तुम लोगों को ये एक्सेप्ट है नहीं है, कम ऑन फास्ट। सो दिस इज माय फॉर्मूला, ये किधर टेक्स्ट बुक में या कोई किसी बुक में लिखा है ऐसा नहीं है, दिस इज माय ओपिनियन, ये मुझे लगता है कि ये ऐसे जर्नी में बच्चे लोग पढ़ना चाहिए या कोई काम कर रहा है वो ऐसे जर्नी में काम करना चाहिए।
कम ऑन, जो लोग ऐसा झंडू बम के जैसा बैठे हैं कुछ नहीं कर रहे, वो लोग रिप्लाई तो बनता है। ओके, तो ये अपने दिमाग में रखो, अपने पास रखो, जो हमें 100% काम में आएगा। कोई भी चीज़ है, कोई भी नया चीज़ तुम लोग सीख रहे हो तो ये ध्यान में रखो कि ये प्रोसेस होता है, ये प्रोसेस होता है। यस, चलिए, तो तुम लोगों ने कभी मौका मिला तो ये लिख के रखो अपने किधर, जहाँ पर तुम लोग बैठते हो वहाँ पर, मैकेनिक सीख रहे हो, BEE सीख रहे हो, या तुम लोग कोई टेक्निकल कोर्सेस सीख रहे हो, वहाँ पर तुम लोग ये लिख के रखो, अच्छा मेरे को सुनना पड़ेगा बरोबर से क्या चालू है, एक्सेप्ट हुआ क्या, एक्सेप्ट हुआ, इम्प्लीमेंट किया नहीं किया, तो फिर कैसा आएगा तुझे, तो इम्प्लीमेंट भी ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पहला एग्जाम्पल है, और मेरा एक खराब आदत मैं बताता हूँ, जो लोग मुझे जानते हैं, जो लोग ऑफलाइन में आते हैं अपने क्लासेस में, मैं कोई एग्जाम्पल चालू करता हूँ तो उसमें छोटे से छोटा फॉर्मूला, बड़े से बड़ा फॉर्मूला सब लिखता हूँ। दिवेश न्यूमेरिकल मेथड नहीं चालू है, न्यूमेरिकल मेथड बाद में होगा। चलिए, तो हमें क्या फॉर्मूला लगेगा, तो log of f of x का फॉर्मूला लगेगा। log of f of x का फॉर्मूला अपने को आता है क्या, खुद को पूछो, आता रहेगा तो रिकॉल करो, log f of x, log f, सच में ट्राई करो, एक्टिंग मत करो, क्योंकि अगर प्रीवियसली तुम लोगों ने किया है और रिकलेक्ट होता है तो और ज्यादा टाइम तक याद रहेगा, जीरो से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं तुम लोग। सो log f of x का फॉर्मूला log f नहीं आता है, कोई बात नहीं, आज बताया, अगर आज तो तुझे याद रखना चाहिए, अगर याद नहीं रखता है तो फिर कुछ फायदा नहीं है। ये आता है 1 बाय एफ ऑफ एक्स एंड डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स, 1 बाय फंक्शन एंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। आगे बढ़ते हैं, टैन एफ ऑफ एक्स का भी फॉर्मूला, टैन एक्स का फॉर्मूला लगेगा। मैंने कल बताया था एस टी बस, टैन में सेक होता है, सेक में टैन होता है, सो टैन का डेरिवेटिव आता है सेक स्क्वायर। यस, सो जितने मेंबर्स यहाँ पर अवेलेबल है, दो फॉर्मूलाज हमें लगेगा, कीप इन माइंड प्लीज। चलिए, किसी का फॉर्मूलाज का प्रॉब्लम है, मैं जितना फॉर्मूलाज दे रहा हूँ धीरे 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 वो कलेक्ट करके रखो, एक दिन तो मास्टर बना रहेगा। ओके, सो सबसे पहला हमें क्या काम करने का है, देखो पार्शियल का और एक एडवांटेज भी है। क्या एडवांटेज है, तो हर चीज में हम लोग नेगेटिव नहीं ढूंढना चाहिए, ये पॉजिटिव एटीट्यूड बोलते हैं ना, वो यही होता है कि मैं खराब परिस्थिति में अच्छा क्या है वो ढूंढू। अभी देखो ना, रिजल्ट तुम लोगों का लगा है, मार्क्स कम मिला है, लेकिन ऐसे भी बच्चे लोग हैं जिनका मार्क्स अच्छा है लेकिन एक सब्जेक्ट में फेल हुआ है, ऐसे भी स्टूडेंट है कि जिनको 10th स्टैंडर्ड तक बहुत फैंटास्टिक मार्क्स था, इंजीनियरिंग करने का बचपन से सपना था, लेकिन ग्रुपिंग क्राइटेरिया में बैठा ही नहीं PCM के, तो मैं बोलूंगा कि उससे तो मैं अच्छा है, मैं ग्रुपिंग क्राइटेरिया में भी बैठा हूँ, मेरा जो सपना है वो भी पूरा होने वाला है, हाँ 2 मार्क्स कम मिला ठीक है ना। सो हर चीज में हम लोग निगेटिव नहीं पॉजिटिव ढूंढना चाहिए, तो पार्शल में डेरिवेटिव है, हाँ टाइम लगता है, हाँ लेकिन क्या अच्छा है, तो अच्छा ये है कि पार्सल में क्या काम करने का ना, ये कस्टमर खुद बताता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं इसको कस्टमर बोलता हूं, तुम लोग भी आज से कस्टमर बोलने का, चलो मैसेज बॉक्स में मैसेज डालो, कस्टमर 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 प्लीज, हम लोग इसको कस्टमर बोलेंगे, कम ऑन। फटाफट रिप्लाई दो, हम लोग जो एग्जाम्पल दिया रहेगा ना उसको एग्जाम्पल नहीं बोलेंगे, प्रॉब्लम नहीं बोलेंगे, वी कॉल इट एज अ कस्टमर। यस, चलो फटाफट मैसेज फेंकने का, कैसे रहे तुम लोग गरीब लोग, कैसा माहौल गर्म रहना चाहिए टाइप करके फेंक देने का। यस यस यस, सबरीश ने मैसेज डाला, प्रतीक ने डाला, किधर गए बाकी लोग, चल चल।
वर्षिल रूट टी वाले एग्जांपल्स लास्ट सिलेबस में प्रोमिनेंटली पूछते थे। अभी सॉल्व करने के लिए एक छोटा सा मेथड है एक्सपेंशन वाला, साइन का एक्सपेंशन, कॉस का एक्सपेंशन, और उससे वो सॉल्व होता है। ओके, चलिए आगे बढ़ते। कस्टमर 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 एंड कस्टमर, तो ये कस्टमर है और मैं बोलता हूँ कि कस्टमर ये भगवान होता है, हर दुकान वाले को पूछो। तो ऐसा इधर तुम लोग कस्टमर है, हाँ फ्री वाला कस्टमर है, लेकिन है यार कोई तो देखने के लिए आया है। सो कस्टमर और दुकान वाला, इसमें एक छोटा सा अंडरस्टैंडिंग क्या होना चाहिए कि कस्टमर को जो चाहिए ना वो दुकान वाले ने रखना चाहिए, जो लोगों को रिक्वायर्ड है वो माल रखना चाहिए, जो कस्टमर को चाहिए वो बनाना चाहिए। इसके लिए तुम लोग कस्टमर को पहला समझ कर लो कि भाई वो कहना क्या चाहता है, मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन में क्या काम करने का, तू खुद का दिमाग मत लगा। यस, तुम लोग इसको पूछो, ये पहले बॉक्स में देखो यहां पर क्या दिखता है, तो डेरिवेटिव लेने का, दिस इज फर्स्ट टास्क। सेकंड टास्क है मल्टीप्लाई बाय साइन 2x। अरे मैं बोल रहा हूं मेरा मत सुनो, कस्टमर का सुनो, वो मेन अपने लिए है। दुकान खोल के बैठा है, कस्टमर को जो चाहिए वो नहीं दे दोगे तो कहीं के लिए दुकान खोला है। तो कस्टमर बोलता है यू का डेरिवेटिव एक्स के साथ है, पहला चाहिए। फिर कस्टमर क्या बोलता है, अरे उसको साइन 2x के भी मल्टीप्लाई करके दो, चलेगा ना, कोई वांधा नहीं, चालू करेंगे। लिखता हूं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, एंड कंपल्सरी पार्शियली लिखना पड़ता है। लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज ध्यान में रखो पार्शियल। यस, JOD, कॉन्ग्रेचुलेशंस, अपना एक स्टूडेंट इधर आया हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं बोल रहा था कि पार्शियली लिखना पड़ता है क्योंकि दो लोग हैं, दो में से एक ऑन है एक ऑफ है, तो एक्स चालू है वाई बंद है, ये बताने के लिए पार्शियल मेंशन करना जरूरी है, नहीं तो प्लेन डेरिवेटिव हो गया 12th के जैसा। ओके, कैसा लिखने का मैं बताता हूं। यू है, लॉग है टेन एक्स प्लस टेन वाई, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, ऐसा लिखते हैं। पहला लिखने का कैसा वो समझ जाओ। यू लिखा डेरिवेटिव एक्स के साथ, डेरिवेटिव एक्स के साथ। नाउ एक यूनिक स्टाइल हम लोग फॉलो करते हैं, आर्केडेमी वाले लोग जब भी क्लासेस में आते हैं बच्चे लोग उनको पूछो, हम लोग कंपल्सरी एक रूल फॉलो करते हैं कि ये जो दिखता है ना उसको f(x) बोलने का। हाँ, ये tan x tan y नहीं है अपने लिए, ये f(x) है। नाउ दिस इज log f(x), लेडीज एंड जेंटलमैन दिस इज log f(x) एंड डेरिवेटिव ऑफ log f(x) बोलने का है, बोलने का है। चलिए एक बार ये फॉर्मूला बोलकर दिखाओ, कम ऑन, घर पे बैठे हो ना तुम लोग, तो एक बार बोलकर दिखाओ डेरिवेटिव ऑफ log f(x), कम ऑन, देखकर बोलो। क्या है कि अब हम लोग जब तक बोलेंगे नहीं, प्रोनाउंसिएशन होगा नहीं, तो याद कैसा रखेगा। कभी तुमने एक्सपीरियंस किया रहेगा कि अगर हमें कोई गाना अगर पसंद आया है तो हम लोग वही बोलते रहते हैं, ये सबने जबान पे वही चालू रहता है। जैसा मैं एक लास्ट महीने में एक मेरे दिमाग में एक मस्त गाना आया था जिंदगी के सफर में, राजेश खन्ना का, मालूम नहीं ऐसा ही कि वो यूट्यूब पे देखा और दिमाग में बैठा, वो दो दिन तक वही गाना चालू था, आगे का तो आता नहीं था लेकिन वही चालू। जिंदगी के सफर में गुजर जाते वो मकान, तो ये मैं बोल रहा हूँ कि एक बार दिमाग में बैठा ना वो दिमाग में बैठ जाता है, तो तू बोलेगा नहीं तो पागल याद कैसा रखेगा। सो डेरिवेटिव ऑफ log f(x) इज 1/f(x) डेरिवेटिव ऑफ f(x), जोर से बोलने का, सब घर वाले हिल जाने चाहिए, अरे क्या फालतू गिरी हुआ इधर। ऑनलाइन लेक्चर में टीचर का भी उतना ही रोल होता है कि बच्चे को अटेंशन में लेके आओ। सो मैं बोल रहा हूं कि अगर हम लोग यहां पर 100% है तो बिंदास बोलने का डेरिवेटिव ऑफ log f, जोर से चिल्लाने का, जो अपने घर के बाहर से जा रहा है ना वो भी हिल जाएगा, क्या चालू है, बोलने का इंजीनियरिंग कर रहा हूं। तो चलिए लेडीज एंड जेंटलमैन, सब लोग ने फॉर्मूला बोला क्या, मैसेज बॉक्स में मैसेज डालो, फटाफट बोलो, जोर से बोला कि नहीं बोला,
क्या खाली ऐसा मूंगी के जैसा आवाज निकलना मुलू मुलू ऐसा नहीं चाहिए। फर्स्ट मैसेज बॉक्स में मैसेज डालो, डेरिवेटिव ऑफ लॉग एफ ऑफ एक्स इज 1/f(x) एंड डेरिवेटिव ऑफ f(x). कम ऑन, जल्दी जल्दी चाहिए, क्विक। जो लोग ने नहीं बोला है कोई बात नहीं, क्या होता है मालूम है कि एक होता है एक्टिंग एंड ये होता है रियल वाला एक्टिंग, एक ऊपर ऊपर से एक्टिंग और एक एक्चुअल वाला एक्टिंग। तो कुछ तुम लोग देखते रहोगे ये सेलिब्रिटीज पूरा वो कैरेक्टर में घुस जाते हैं, कुछ लोग खाली एक्टिंग करते हैं, तो पिक्चर फुल फुल चलता नहीं है या पिक्चर सुपर हिट नहीं होता है अगर फुल एंट्री नहीं किया है तो। ध्रुव ने मैसेज किया आप भूल बोला है, चलिए प्लीज लॉग एफ ऑफ एक्स का मैं भी बोलता हूँ 1/f(x) एंड डेरिवेटिव ऑफ f(x). अरे सॉल्व करते टाइम बोलने का ना, यस 1/f(x) प्लस डेरिवेटिव ऑफ f(x). अरे प्रतीक मैंने सच बोला मालूम है, बच्चे लोग लेक्चर में बैठते ना खाली ऐसा बोलते रहते डेरिवेटिव ऑफ लॉग ऐसा भी, तो उनका लिप्स का मूवमेंट रहता है पागल, पूरा जान डाल उसमें, क्या प्रॉब्लम है, गलत तो गलत। ये दुनिया में कोई ऐसा सुपरस्टार नहीं है जिसने कभी गलत काम किया नहीं है, हो जाता है मिस्टेक्स, उसमें क्या है। सो 1/फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन ये आया tan x प्लस tan y। अरे वेरिएबल x है, सुन रहा है क्या, वेरिएबल x है, वेरिएबल x है तो ये जिंदा है, ये मर गया है, कॉन्स्टेंट है वो। तो tan x का डेरिवेटिव बोल, बोलो बोलो tan x का डेरिवेटिव देखकर बोलने का क्या है, sec²x। सो दिस इज डेल u बाय डेल x। तुम लोग सोच सकते हो सर IT सेम वन का लेक्चर कब है, मुझे समझा नहीं रहे IT सेम वन। चलो आगे बढ़ते हैं, मैंने बोला डेरिवेटिव निकालो इधर तक आया है, इसके बाद क्या करने का, मुझे क्यों पूछ रहे हो, कस्टमर के जा कस्टमर को जाके पूछो। कस्टमर बोलता है कि भाई अभी डेरिवेटिव को ना sin²x से मल्टीप्लाई करो, कोई बात नहीं करेंगे मल्टीप्लाई बाय sin²x। तो sin²x से मल्टीप्लाई किया, इधर भी sin²x से मल्टीप्लाई किया, tan x प्लस tan y। मैं ऐसा बोल रहा था कि तुम लोग, अच्छा फर्स्ट ईयर डिप्लोमा का लेक्चर 9 बजे है, फर्स्ट ईयर डिप्लोमा 9 बजे, ओके। तो मैं ऐसा बोल रहा था कि देखो इधर तक तो आया है, मैं बोल रहा था कि तुम लोग एक्सपीरियंस कर सकते हो ऑनलाइन लेक्चर में इतना मजा आता है तो ऑफलाइन में क्या होता रहेगा। थाने ब्रांच में, नेहरू ब्रांच में, कल्याण ब्रांच में, जो लोग एक बार लेक्चर ऑफलाइन लेक्चर में बैठा बस उनका नेक्स्ट लेवल अचीव हो गया। ये जो हम लोग बातचीत कर रहे हैं ये अवेलेबल है अपने एक एप्लीकेशन के ऊपर भी, ई लर्निंग एप्लीकेशन। अभी जो लोग निकाल रहे हैं ना इधर उधर ये वीडियो वो वीडियो, अपना 2018 में अपना एप्लीकेशन लॉन्च हुआ है, आर्केडमी एप्लीकेशन जो प्ले स्टोर पे है। वो एप्लीकेशन में पूरे महाराष्ट्र का कोई भी यूनिवर्सिटी रहेगा ना उसका सिलेबस उसके अंदर डाला हुआ है, उसका सिलेबस पूरे महाराष्ट्र का पूरा सिलेबस semester 1 and 2 जाने का उधर एक्सेस कर सकता है एट मिनिमम कॉस्ट। तो मैं सब लोगों को बता रहा हूँ कि ये जो अपना एप्लीकेशन है, ये एप्लीकेशन जो लोग खरीदते हैं ना वो उनके मोबाइल में अपना टीचर और सब सब्जेक्ट जेब में ही रहेगा पक्का। तो एक बार तुम लोग एक्सपीरियंस करो और एक कोड देता हूं तुम लोग को, उसको एक्सेस करो, आर्केडमी 2022 7 दिन का एक्सेस मिलेगा। तुम लोग देखो कैसा समझता है क्या समझ, सब सब्जेक्ट का सब सब टॉपिक्स का ऐसा ही वीडियो है उसमें। चलिए आगे बढ़ता हूं, इधर तक आया, नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, sin²x डेल यू बाय डेल एक्स। इधर तक आने के बाद तुम लोग ने सुना रहेगा कि अरे इंजीनियरिंग में अभी स्कोप नहीं है, जॉब नहीं मिलता है, ऐसा वैसा, ऐसा नहीं है, बहुत सारा जॉब है,
और बहुत सारा बड़ा बड़ा पैकेज भी अवेलेबल है, लेकिन जॉब किसको नहीं है, जिसके पास कुछ है ही नहीं है, स्किल ही नहीं है, क्रिएटिविटी नहीं है, उसको जॉब नहीं है। देखो ना, इधर एक एग्जांपल बताता हूं, ये लिखा, कुछ लोग सामने बैठेंगे, हाँ हो गया अपना, यही टाइम पे ऐसे भी बच्चे लोग मिलेंगे, वो लोग क्या करेंगे मालूम है, वो लोग अपना दिमाग लगाएंगे, कौन सा, साइन टू एक्स इज टू साइन एक्स कॉस एक्स, अपना दिमाग लगाएंगे लोग, साइन सेक्स स्क्वायर एक्स, हाँ वन बाय कॉस स्क्वायर एक्स। मैं बोल रहा हूं कि 50 लोग होते हैं, उसमें से एक मैनेजर होता है और बाकी उसके नीचे काम करने वाले लोग होते हैं। वो जो मैनेजर होता है ना, कुछ तो अलग होता है। ये देखो ना, साइन टू एक्स का फॉर्मूला बचपन में ऐड किया था, क्या करने का, लगाओ इधर, सेक मतलब वन बाय कॉस, ये एक कैंसिल होने के बाद जो बचा हुआ है, दिस इज टू टेन एक्स साइन एक्स अपन कॉस एक्स, ये हमारा साइन टू एक्स का आंसर है, साइन टू एक्स डेल यू बाय डेल एक्स, डन। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, सेकंड पार्ट, अभी मैं बताता हूं, इंजीनियरिंग मैंने बोला ना कि ये थोड़ा अलग टाइप का दुनियादारी है, ट्वेल्थ के हिसाब से करेगा तो तू कोमा में जाएगा, चार दिन तक उठेगा नहीं। ये सेकंड पार्ट करने का इच्छा है तुम लोग करो, मैं नहीं करूंगा, सेकंड पार्ट मेरे से नहीं होगा, मैं स्मार्ट है, मैं हमाली नहीं करेगा, मैं सिमिलरली लिखूंगा, यस। अरे दिखता है ना, एक्स के जैसा वाई है, एक्स के जैसा वाई, ये सब आइडेंटिकल है, सेम टाइप के लोग है, आदमी वही है, खाली कपड़ा चेंज हुआ है। मैं डबल नहीं करूंगा, मैं डायरेक्ट लिखूंगा साइन टू वाई डेल यू बाय डेल वाई इज टू टेन वाई, एक्स के टाइम पे टेन एक्स आया था, वाई के टाइम पे टेन वाई आएगा। ये चैट बॉक्स में ना एक लिंक आया है गूगल फॉर्म का, जिनको लगता है कि मुझे नोट्स चाहिए, पीडीएफ चाहिए इसका, तो तुम लोग है ना गूगल फॉर्म भर देने का, वहाँ पर सब कुछ अवेलेबल रहेगा। और ये सेशन को शेयर भी करो अगर तुम लोगों को अच्छा लगा तो, नहीं लगा तो जाने दो। क्या है कि बाकी चैनल्स वाले क्या करें, बच्चों को डराएंगे, नो पॉइंटर नहीं मिला तो क्या होगा, पहले सेमेस्टर में केटी लगा तो क्या होगा, पागल हो गए वो लोग। ये सब क्वेश्चंस का कुछ मतलब नहीं अपने लाइफ में, पास फेल इट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। हम लोग कितना फाइटिंग स्पिरिट से भागते हैं ना, वो इम्पोर्टेंट है, ये पॉजिटिव यहाँ पर ही मिलेगा। चलिए, ये पहला हुआ, जिनको डाउट है दूसरा, भाई तू डबल सॉल्व कर, बस मैं डबल नहीं करेगा, दोनों सेम है, इसके लिए मैंने सिमिलरली लिखा है, ऐसा कर सकते हैं, 100% कर सकते हैं, लीगल है। फिर क्या करने का, दोनों का एडिशन, कौन बोला, कस्टमर बोला, मैं नहीं बोलता हूं, थोड़ा जगह का शॉर्टेज है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, दोनों का एडिशन करेंगे तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम दिखता है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर आएगा टेन एक्स प्लस टेन वाई, डिनोमिनेटर सेम है, ऊपर वाले लोगों को ऐड किया और मजाक मजाक में हमारा आंसर भी आया, यस। ये पहला एग्जाम्पल हो गया है, तुम लोग मैसेज बॉक्स में मैसेज डालो कि तुम लोगों का एक्सपीरियंस क्या था ये पहले एग्जांपल का और ये सेशन का, कम ऑन, ये ऐड क्यों किया है कस्टमर को पूछो। तो फर्स्ट एग्जांपल हुआ है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि तुम लोगों को कुछ समझा रहेगा, जरा मैसेज बॉक्स में मैसेज डालो कि ये कैसा लगा तुम लोगों को, ये लेक्चर समझाया है, नहीं समझाया है, बाउंसर गया, ध्रुव बोल रहा है दादर में, ध्रुव दादर में ऑफलाइन चालू होगा, जैसा ही अपना कॉलेज स्टार्ट होगा दादर में एक बैच बनेगा पक्का। अथर्व का रिप्लाई है ओपी, यस। मैं बोल रहा हूँ कि जेन्युइननेस ये तुम लोगों को यहाँ पर मिलेगा, मैं अजित सर तुम लोगों को पता चलेगा कि भाई ये किधर थे ये लोग, हमें अननेसेसरी पब्लिसिटी करने का कुछ जरूरत नहीं है, जितने स्टूडेंट्स अपने क्लासेस में आते हैं वो रेफरेंस से आते हैं, एक स्टूडेंट 10 लोगों को बोलता है, वैसा सेम यहाँ पर मुझे मालूम है कॉलेज चालू होने के बाद में पूरा पॉपुलेशन इधर दिखेगा, मजा आएगा। और ये पहला एग्जांपल है, यस थैंक यू तुम लोगों का रिप्लाई देखकर, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा,
तुम लोग अगर कन्विंस है और तुम लोगों को लगता है कि भाई ये कुछ ढंग से पढ़ा रहे, तो तुम लोगों को ये फॉरवर्ड भी करना चाहिए आगे। यस चलो इसका एक फोटो लो। फोटो फोटो चलिए। तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल है, इसमें मिलेगा ना रिकॉर्डिंग। तो मैं बोल रहा था कि ये पहला एग्जाम्पल है और ये स्टार्ट हो रहा है, कॉलेज का एडमिशन प्रोसेस अभी स्टार्ट हुआ है। तुम लोग अपने आजू बाजू में जितने स्टूडेंट्स हैं उनको तुम लोग बोल सकते हो कि भाई इधर क्या चालू है। तुम लोगों को लगता है कि कोई एक स्टूडेंट है जो अपना एकदम खास दोस्त है, तुम लोग 2 मिनट इन्वेस्ट कर सकते हो उसके लिए, जिसका भविष्य चेंज होगा, नॉट जस्ट फॉर मैथ्स, नॉट जस्ट फॉर इंजीनियरिंग, लेकिन उसके सोच में बदल होगा। यही अपना इंटेंशन है और अपना एक स्टेटमेंट भी है, एम्पावरिंग यूथ थ्रू एजुकेशन। तू इधर आता है, तेरे को शिक्षण के माध्यम से आगे लेके जाएंगे। तो उसको तुम लोग बोल सकते हो कि भाई देख, मैंने अटेंड किया, एकदम नेक्स्ट लेवल का है, या जो भी तुम लोगों का एक्सपीरियंस है, तू आएगा तो तुझे भी समझेगा। और ऑप्शंस तो मैंने बताया है कि जिनको लगता है कि नहीं ऑफलाइन भी चाहिए, सो वी आर अवेलेबल इन नेरुल, ठाणे, कल्याण एंड एज वेल एज इन दादर इन फ्यू डेज। दादर में फिलहाल हम लोग ने होल्ड पे रखा है, लेकिन कॉलेज चालू होने के बाद स्टार्ट होगा। तो चलिए मैं रुकता हूँ यहाँ पर। ये हम लोगों का पहला एक एग्जाम्पल था, पार्शल डिफरेंशिएशन का सेकंड एग्जाम्पल, सेकंड लेक्चर है। जब भी टाइम मिलेगा तुम लोग इसको रिवाइज करो। अगले लेक्चर में हमारा 4 एग्जाम्पल्स होगा। सो अभी तो पहला एग्जाम्पल है, फॉर्मूला इधर बाजू में लिखा हुआ है, मैंने वो LAIR का फॉर्मूला बताया, दिमाग में रखो, लिसन, एक्सेप्ट, इम्प्लीमेंट करो, वापस एक बार ट्राई करो, वापस वापस वो सेम सॉल्व करो, कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे जाएगा। तो चलिए रुकता हूँ मैं, थैंक यू वेरी मच जितने लोग यहाँ पर आए, और लोगों को मैसेज पूछना चाहिए कि यहाँ पर क्या चालू है। कल के लेक्चर में अजीत सर वापस आएंगे, अजीत सर का BW वाला सेशन देखो। अजीत सर मैकेनिक्स तो सिखाते ही डेंजर, लेकिन ही इज बाय बाय क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है उनके ब्रांच के हिसाब से, लेकिन आदमी बहुत डेंजर है, कुछ भी दो मस्त सिखा सकता है। रुकता हूँ मैं यहाँ पर, थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। हम लोग वापस अगले वीक में मिलेंगे, और तब तक टेक केयर। और ये अपना लेक्चर्स लोगों तक पहुँचना चाहिए, इसके लिए थोड़ा कंट्रीब्यूट करो, शायद किसी के चेहरे पे अपने वजह से स्माइल आएगा, तो उसका उसका खुद का, उसके फैमिली का, ये सबका सिनेरियो चेंज हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर थोड़ा टेंशन वाला होता है, टाइम कम होता है इसके लिए। तो रुकता हूँ यहाँ पर, थैंक यू वेरी मच, वापस मिलेंगे, बाय बाय।